हेलो एंड वेलकम टू आईएनडी लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी एंड सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इन दिस कोर्स वी विल लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जो हमारी आईएनडी लर्न सीरीज का तीसरा कोर्स है। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का फाइनल चैप्टर है। अगर आपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के एंड तक आपको बेसिक्स ऑफ गोल सेटिंग, बेसिक्स ऑफ रिस्क प्रोफाइल, बेसिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स और नेटवर्थ के बारे में एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। तो लेट्स डाइव इनटू द 5th चैप्टर, नेटवर्थ एक्सप्लेन्ड। नेटवर्थ एक फाइनेंशियल टर्म है जो आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। इन सिंपल वर्ड्स, नेटवर्थ आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का डिफरेंस है। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे आपके फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ती है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज एंड इवन कैश। लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी फाइनेंशियल वैल्यू डिक्रीज करती हैं, जैसे लोन्स या डेट। अगर आपके एसेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज कम हैं तो आपका नेटवर्थ अच्छा होगा, लेकिन अगर लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं तो नेटवर्थ कम या इवन नेगेटिव हो सकता है। नेटवर्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आप अपने सभी एसेट्स की वैल्यू को ऐड करें, फिर अपने सभी लाइबिलिटीज की वैल्यू को ऐड करें। अब एसेट से लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करें, जो नंबर आता है वो आपका नेटवर्थ होता है। सो द नेटवर्थ इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। नेटवर्थ जानना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में एक क्लियर पिक्चर देता है। आपके नेटवर्थ से आप समझ सकते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के नज़दीक आ रहे हैं या नहीं, और किस तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस आपको लेने चाहिए। नेटवर्थ ट्रैक करते रहने से आप अपने फाइनेंशियल प्रोग्रेस को देख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। संजय एक 32 साल का प्रोफेशनल इंजीनियर है। उसके टोटल एसेट्स, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स अकाउंट शामिल है, 50 लाख हैं। उसके लाइबिलिटीज जैसे होम लोन और कार लोन 20 लाख हैं। इसीलिए संजय का नेटवर्थ 30 लाख है, विच इज 50 लाख माइनस 20 लाख। सिमिलरली गौरव एक 45 साल का बिजनेसमैन है। उसके टोटल एसेट्स 1.5 करोड़ हैं और लाइबिलिटीज 60 लाख हैं। इसलिए गौरव का नेटवर्थ हुआ 90 लाख। इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके नेटवर्थ को अफेक्ट करते हैं, और कुछ तरीकों से आप अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, इंक्रीजिंग योर इनकम। आपकी इनकम बढ़ाने के लिए आप अपनी स्किल्स और क्वालिफिकेशंस इम्प्रूव कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा फ्रीलांस काम या पार्ट टाइम जॉब्स ले सकते हैं। ज़्यादा इनकम सोर्सेस से आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, जिससे आपकी नेटवर्थ इंक्रीज होगी। नंबर 2, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस। अपने खर्चों पर कंट्रोल करके आप ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। बजटिंग करके, अपने मंथली एक्सपेंसेस को चेक करके नॉन एसेंशियल खर्चों को कम कर सकते हैं। बजटिंग को हमने और डिटेल में डिस्कस किया है ग्रोइंग मनी कोर्स के 4th चैप्टर, ग्रोइंग मनी फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में। इस चैप्टर का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3, इंक्रीजिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को सिस्टमैटिकली बढ़ाने से आपकी नेटवर्थ ग्रो हो सकती है।
आप SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हैं, या हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट और FDs यानी फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा रख सकते हैं। नंबर 4, डेट मैनेजमेंट। अपने लोन्स और डेट्स को समय से पहले रीपे करके और हाई इंटरेस्ट डेट्स को अवॉइड करने से आप अपनी लायबिलिटीज डिक्रीज कर सकते हैं। नंबर 5, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करके और उनके लिए प्लान बना के आप अपनी वर्थ को सिस्टमैटिकली ग्रो कर सकते हैं। एंड दिस इज इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम गोल सेटिंग टू नेटवर्थ, वी हैव कवर्ड अ लॉट इन दिस कोर्स। डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से IND मनी ऐप पर जाकर आप इस कोर्स की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको IND मनी ऐप डाउनलोड करना है और IND लोन पर जाकर बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस को आंसर करके आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेशन लेना है। सर्टिफिकेट को आप सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ LinkedIn पर भी शेयर कर सकते हैं। IND Learn एक रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND Money ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है, एंड यू कैन कंप्लीट मोर ऑफ सच फ्री फाइनेंशियल कोर्सेज बाय सिंपली डाउनलोडिंग द ऐप। एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर सच फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कोर्स, The Basics of Mutual Funds, जहां हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द म्यूचुअल फंड्स, फ्रॉम इट्स टाइप्स टू इट्स टैक्सेशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।